वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स पोकेमॉन वैल्यू। भाई आज हम लोग आ चुके हैं वाटर टाइप जिम कराने, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था भाई मैं पक्का आऊँगा। तो भाई मैं आ चुका हूँ और यहाँ से भाई मुझे पोकेमॉन दिख रही है, ये मैं उठाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद चलते हैं। नहीं भाई वेंडिंग मशीन तो नहीं खोली मेरे को, एक सेकेंड यार। हाँ तो नाइस भाई पोकेमॉन हमने उठा लिया, चलते हैं भाई अब जिम के अंदर। और यहाँ पर भाई आज हम लोग जिम पर भी चलते हैं। और एक सेकेंड यार, ग्लिच पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे तो फाउंटेन से हमने पोकी बाल वो उठा ली थी तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो या अभी भाई चलते हैं, हम सबसे वाटर टाइप जिम कराएंगे। हमने वाटर को फर्स्ट नहीं, क्या नाम था, किलो वाटर को फर्स्ट पर लिया क्योंकि अब वो इवॉल्व हो चुका है, यहाँ वाटर नहीं रहा वो। तो सही है भाई, और मतलब उससे आसानी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं टेरास्लाइज कर दूँगा मैं पहले मूव से, और वन शॉट मारते जाएंगे सबको, ईजी रहेगा। करते हैं चलो भाई, एंड उसके बाद मैं फिफ्थ जिम के पास भी चले ही जाऊँगा क्योंकि मैंने फ्लाई वाला तो अनलॉक कर ही लिया था। सो या घुसते हैं भाई जिम में। लेकिन जिम जाने से पहले भाई मेरे को एक चीज़ याद आई, यहाँ पे भाई हेयर कट शॉप है तो भाई पहले हेयर कट चेंज कराते हैं क्योंकि भाई मैंने स्टार्ट में चेंज करा लिया था और ये मुझे बेकार लग रहा है भाई बहुत। सो यार एक सेकंड जूम मार के देखता हूँ मैं, ये रहा भाई, इसको डेस्टिनेशन सेट कर लेते हैं अपनी। चलो सैलोन रेनेसर्स में चलते हैं। चलो ठीक है, सैलोन रेनेसर नाम है इसका, ठीक है नाइस। सो या हम लोग यहाँ पे जाते हैं भाई, कोई अच्छा सा हेयर कट करवाते हैं, निकलते हैं भाई यहाँ से और सीधा जिम कराएंगे क्योंकि मैं फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भाई हमने ज़्यादा कुछ तो करा नहीं था। तो या आई थिंक ये वाली दुकान होगी क्योंकि वो वाली तो भाई बेकरी टाइप्स लग रही है, तो यहाँ इसमें चल के देखते हैं, वो बेकरी होगी तो बॉक्स में चल जाएंगे। यस भाई यही दुकान है, एंड ये वाला मुझे बढ़िया लग रहा है भाई, यही करवा लेता हूँ। एंड निकलते हैं भाई यहाँ से, बस इसके लिए पे कर लेते हैं और यस भाई करवा लेते हैं ये वाला हेयर कट। लेट्स गेट टू वर्क, ठीक है भाई। और ये जो टोपी वगैरह वो भी मैं उतार दूंगा बाद में, अभी पता नहीं ऑप्शन आया नहीं। और भाई देखो कितना सही लग रहा है भाई, अब आई वेयर इट कर देता हूँ मैं क्योंकि शायद से बाल की बात ही कर रहे हैं, तो हाँ भाई बाल तो आई मीन वेयर इट करेंगे ही क्योंकि हमने पैसे पर बात करें। अच्छा ये टोपी क्यों लगा दी भाई, बाद में चेंज कर सकते, चलो कोई बात नहीं। सो दैट वुड बी 3000 इज देन ऑल इन ऑल, हाउ डू यू लाइक टू पे। मैं लीक पॉइंट से कर लेता हूँ क्योंकि लीक पॉइंट्स मेरे पास अभी ठीक ठाक है ही, और लीक पॉइंट्स तो मिलते रहते हैं मतलब निमोना वगैरह से बैटल करके। सो चलते हैं भाई यहाँ से बाहर और या जिम बैटल करते हैं। हाँ सो यस, मैंने इसको इसकी विंटर वाली यूनिफॉर्म पहना दी है, एंड चश्मा भी उतार लिया क्योंकि चश्मा भाई मेरे लिए लगा ही नहीं हुआ रियल लाइफ में, तो फिर मैंने पता नहीं क्यों ही लगाया था। एंड ये कोई सनग्लासेस वगैरह भी नहीं है जो कि मतलब कूल लगे, ये तो बस बेकार ही लग रहा था। एंड विंटर आउटफिट में भाई कोट वगैरह बहुत सही लगता है तो मैंने ये लगा लिया। पोकेमॉन स्कारलेट में क्या होता है भाई, इसके पजामे बदल जाते हैं, वैसे ऑरेंज हो जाता है और यहाँ पे पर्पल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो या यहाँ पे भाई सबसे पहले एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, चलो कोई नहीं। आई हर्ड यू यूनाइटेड कोफू विद हिज वॉलेट, यस भाई मैंने कर दिया था उसको वापस, जैसा कि तुमने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा शायद। हाँ तो आर यू रेडी टू चैलेंज द जिम लीडर कोफू एंड द सर्जिंग शेफ। यस भाई हम बैटल कर सकते हैं भाई कोफू से भी, और उसको हरा भी देंगे भाई, हम डरते नहीं है भाई किसी से। एंड आ चुके भाई जिम वाली स्क्रीन, एंड मेरे ख्याल से भाई ये सेम लेवल के पोकेमॉन ही होने चाहिए मेरे किलो वाटर जैसे, नहीं या फिर मतलब ज़्यादा भी होंगे तो मैं हॉन्टर लाया ही हूँ वैसे अपना लेवल 30 का, जैसे ऐश ने उस एपिसोड में कहा था ना वो सबरीना वाले वो साइकिक जिम में, हाँ वो वैसा कुछ हो सकता है। तो यार भाई ट्राई करते हैं, कुछ होना तो नहीं चाहिए ज़्यादा, आसानी से हरा दूंगा मैं। और मैंने को फूड पम्प प्ले विद अस कम ऑन, I would like, I would be honored if you would try a new item from my shop. Sorry everybody, I got some business to take care of, and it's the gym leader of this gym. I'm keeping one video, so please forgive me. Okay, bye. Okay. तो भाई इसके फैंस भी आ गए थे यहाँ पे, एंड मेरे तो भाई फैंस है नहीं भाई इस गेम में, सही से बताऊँ कोई भी नहीं आता भाई, ये देखो इसकी तरफ सारे खड़े हुए, मेरी तरफ कोई नहीं चेयर कर रहा, कह रहे भाई चलना यहाँ से। hey, yeah, step right up. I've been waiting for you. Thanks for the help over here in Puerto Miranda. ठीक है भाई हमारी नाट है मरिंदा बोल रहा हूँ मैं, एंड नाउ दैट आई वॉन्ट टू नो दैट जो भी है भाई, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो इन ईजी ऑन या ऑन इन आवर बैटल। ठीक है भाई मुझे पता है भाई, वैसे भी तू पता नहीं टेरास्लाइज वगैरह तो करेगा ही, तो फिर भाई ईजी ऑन या क्या होता है। एट द ऑक्शन बैटल विद द बाइंग एंड सेलिंग एट माई जिम मूव्स एंड टैक्टिक्स एवर चेंजिंग एज द जो भी है भाई, आई एम गोना सर्व योर फुल कोर्स ऑफ वाटर टाइप पोकेमॉन, डोंट ईट देम दो। ठीक है भाई तो नहीं खाएंगे भाई हम तेरे पोकेमॉन, चिंता मत कर। अच्छा इसने वॉल्टिंग वेलूजा नहीं बोला आज, पता नहीं क्यों। तो या हमारा बैटल शुरू हो चुका है भाई, ओल्ड मैन कोफू से, हाँ ओल्ड मैन नहीं है मतलब कोफू ही है इसका नाम, ठीक है मेरे को लगा कुछ होगा लेकिन कोई नहीं। अच्छा यही है क्या वेलूजा, तभी इसको वॉल्टिंग वेलूजा बोलता रह रही है, ठीक है नाइस।
भाई हम टेरास्लाइज करते हैं और इलेक्ट्रोबॉल से इसका काम तमाम करते हैं। और भाई तो किलो वाटर मेरा गायब हो जाता है भाई इस गेम में, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। नहीं तो या ऊपर मुझे दिख रहा है लेकिन अब गायब हो चुका है, पता नहीं क्यों। तो ये रहा भाई, तो इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करते हैं भाई टेरास्लाइज करके। एंड नाइस भाई इसको हराते जल्दी जल्दी। एंड यप भाई मैंने अभी से ही पहले मूव से ही भाई टेरास्लाइज कर लिया है, क्योंकि टेरास्लाइजेशन की मूव की पावर है ना इंक्रीज़ होती जाती है जितना बारी हम मूव पर चलते हैं। तो या +1 +1 होता रहता है, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है पोकेमॉन में। ओह शिट, ये तो फ्लाइंग टाइप है टेरास्लाइजेशन, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई ये तो मैंने गलती कर दी भाई। अब इसको 2 times इफेक्टिव मिलेगा ही नहीं, मतलब ये फर्स्ट फ्लाइंग टाइप बन चुका है प्योरली। देखा भाई इसको कितना गंदा डैमेज हुआ है भाई। देखो अब मैं तो इसको वापस रख रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोबॉल और मारते हैं भाई जिससे मर जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में चेंज कर दो पोकेमॉन, क्योंकि मैं नहीं रिस्क ले रहा भाई फालतू का। चल भाई निकल वॉल्टिंग वाली, बाय बाय। एंड अब हमारे हो चुके हैं पोकेमॉन, ये लेवल 31 का हो गया भाई क्रोकोलो, बहुत बढ़िया। तो मैं निकाल लेता हूँ भाई हॉन्टर को निकाल लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है चलो हॉन्टर को ही निकाल लेता हूँ, मैं यही सोच लिया। मैं कर्ज यूज़ करूँगा भाई, सारा काम तमाम कर दूँगा इसका, मतलब कर्ज लगा दूँगा पोकेमॉन पे, मर जाएगा वो मज़ेदार। तो या भाई हॉन्टर निकल चला जाओ, हराते हैं भाई इसको जल्दी फास्ट फास्ट। वर्क ट्री को भेजा, वर्क ट्री शायद से इसको करेगा ट्रांसफर या फिर नेक्स्ट वाले को करेगा, पता नहीं। इसको भी करे भाई हमें चिंता नहीं है भाई, हम तो हरा देंगे, क्योंकि इसके कोई भी मूव हमारे पे काम नहीं करेगा आई थिंक सो। वो स्पेशल टाइप मूव तो करते हैं भाई, मतलब फिजिकल अटैक तो करेंगे लेकिन स्पेशल अटैक करेंगे। थैंकफुली मरता नहीं है भाई एक मूव में वाटर पल्स से, तो या हम लोग जिंदा हैं भाई अभी। तो कन्फ्यूजन की भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बस होप करते भाई ये अपने आप को ना मारें। आई मीन कर्ड से अपने आप को मारता ही है तो बस फर्क नहीं पड़ता इतना, मारेगा अभी तो क्या ही होगा, 2 HP जाएगी, कम HP जाएगी बल्कि कर्ड से तो याद है का, मतलब ऑलमोस्ट डेड ही है ये। एंड इसकी भी HP जाएगी और हर एक टर्न के बाद इसकी HP जाएगी, जिससे मतलब हम चिप डैमेज कर सकते हैं, उसकी डेथ हो सकती है, डेथ नहीं मतलब फेंट हो सकता है जो भी कहते हैं। सो अब तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है मैं इसके कोई भी मूव यूज़ करने का, क्योंकि है तो ये मरने ही वाला। एंड कौन सा ही मूव यूज़ करूँ भाई, स्पाइट भी कुछ नहीं करता, कर्ज चलो ठीक है यही मार देते हैं। चल वाटरफॉल से मरना ही तो था ही, मैं पोकेमॉन चेंज भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसमें अटैक पड़ता है भाई हमारे ऊपर फालतू का। एंड मैं भाई वो केलो वाटर नहीं निकालने वाला बिल्कुल भी, देखा इसकी बात कर रहा था मैं, इसलिए लाया था हॉन्टर को। अगले जिम में हॉन्टर बहुत ज़्यादा काम आएगा भाई, नॉर्मल टाइप है और नॉर्मल टाइप तो रेजिस्टेंट है भाई घोस्ट से, आई मीन घोस्ट रेजिस्टेंट है नॉर्मल टाइप के, मतलब घोस्ट टाइप पोकेमॉन को नॉर्मल टाइप से कुछ नहीं होता। सो या काम आएगा बहुत ज़्यादा, एंड मोस्टली नॉर्मल टाइप मूव्स फिजिकल टाइप की मूव्स ही हैं तो भाई बढ़िया रहेगा। ब्रेकिंग स्वाइप मार के देखते हैं भाई कितना डैमेज होता है, उसके बाद कर्ज से तो मर जाएगा, इतना कुछ होगा नहीं वाले दिक्कत। अबे भाई साहब बेवकूफ, चलो अच्छी बात ये है भाई हमने कर्ज लगा रखा था। एंड अगली बारी में भाई ये मर जाना चाहिए बस नेक्स्ट मूव में, बिकॉज अब भाई और नहीं जाना चाहता मैं, ये बैटल खेलना नहीं चाहता। या लेट्स गो भाई, ओ यस भाई नाइस, हम लोग ने फालतू फाइनली इसको मार दिया, फालतू बोल रहा हूँ मैं पता नहीं क्यों। हाँ तो यस भाई गुई लगा दिया हमें, इसका मतलब कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है यार, मतलब क्यों ही करा तुमने ऐसा। हम लोग भाई तेरे को यूँ ही हरा रहे थे। या अब भाई स्विच पोकेमॉन करूँ या फिर चलो स्विच पोकेमॉन करते हैं भाई, ऐश करते हैं थोड़ा, हम करते हैं भाई 11 dose से निकालते हैं और भाई चिप डैमेज करेंगे पूरा ऐश के चम स्टाइल में, हम वाटर टाइप को वाटर टाइप से मारेंगे। चलो भाई निकाल लिया हमने ये, एंड अब बारी आ चुकी है भाई हमारे इसको हराने की। ठीक है भाई द टाइम्स ई बैड फ्लो, इट्स टाइम फॉर रेजिंग टाइडल सर्ज। क्रब बॉम्ब इनेबल निकाल लिया इसने, जनरेशन 6 का नहीं 7 का, या 6 बोल रहा हूँ मैं, अल्ट्रा मसन एंड अल्ट्रा मून का है। सो या अभी यार स्प्लैश नहीं करना था मेरे को, शिट। प्रिपेयर द रिगिंग ऑफ फॉर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मैं पोकेमॉन जीरो में आ गया हो रहा हंस ले भाई, जितना हंसना है कर ले भाई। ट्रांसलाइज नाइस, दूसरा है वाटर टाइप ट्रांसलाइजेशन नाइस। वैसे भाई ये कुछ तरीके भाई ये दूसरे पोकेमॉन जो है ना उनको भी भाई दूसरा टाइप बना देते वाटर टाइप से, जिससे मतलब एक तरीके का चैलेंज हो जाता है, लेकिन कोई नहीं ये तो मतलब एक टाइप ये पोकेमॉन ले आओ भाई हरा दो सबको, है ना, क्या ही फन है। इन्होंने भाई मतलब टेरास्लाइजेशन कितना बढ़िया रहता है, लेकिन कोई नहीं भाई इन्होंने तो मतलब एक तरीके से लिटरली कुछ भी नहीं है भाई टेरास्लाइजेशन, कोई नहीं लेकिन बाइट और क्रंच मार के भाई इसका खत्म कर देगा। ठीक है भाई
हमें तो ज़्यादा डैमेज हो नहीं रहा भाई इससे, क्योंकि या हम भाई बल्कि बहुत है ये गैराडोस एंड या इतना सारी डैमेज हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। स्लैम से मरेगा क्या? नहीं मरेगा। चलो ठीक है, फिर से एक बार ये कुछ यूज़ कर लेते हैं। बताया क्रंच यूज़ कर लिया मैंने, क्योंकि क्रंच और बाइट एक तरीके की मेरे सर पड़ता नहीं है, बस क्रंच के एनिमेशन देखने में ठीक लगती है। स्लैम एंड या इस्टिलेट, तो भाई अब मैं वो निकाल लेता अपना किलो वाटर। नहीं, उससे पहले हम निकालते फ्रीजन। यस, हमारे पास वो भी तो है एटलीस्ट, मतलब कुछ तो काम आएगा वो। सो या भाई आ जा फ्रीजन, तेरे को भी भाई बैटल में यूज़ कर लेते हैं थोड़ा। आई थिंक ये भाई डेथली मूव होने वाला है, मतलब इसके बाद ही मर जाएगा ये, इतना बचना नहीं चाहिए भाई मेरे ख्याल से। और डबल हिट डाइव यूज़ करता, चलो कोई नहीं। वाटर टाइप है मुझे भी पता है, लेकिन हाँ डाइव मतलब करता तो है ही यार अटैक, ऐसी तो कोई बड़ी बात है नहीं। स्लैम नहीं भाई, हमें नहीं लगेगा भाई, तू क्या बात कर रहा है भाई। वी आर रनिंग दी वाटर एंड भाई डाइव हमने यूज़ कर लिया है एंड लिटरली भाई 2 HP डैमेज हुआ इसको, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, बेकार मूव है। चलो निकलते हैं भाई अब यहाँ से। इसको भाई क्या ही करूँ भाई, मेरे पास रिवाइव तो है नहीं अब, मतलब या मैं रिस्टोर कर लेता भाई किलो वाटर की HP। इसके बाद भाई हम चलते हैं इस, ये जब मर जाएगा तो हम किलो वाटर को निकाल देंगे और फिनिशिंग मूव डाल देंगे एंड वी आर द फोर्थ जिम बैटल, हमारा जिम बैच हमारा वो या और जिम बैटल, जिम बैटल तो हम जीत ही गए ऑलमोस्ट। आई मीन अभी कुछ नहीं कहता मैं, क्योंकि पता भाई मर ही जाऊँगा। रिवाइव नहीं है भाई मेरे पास, रिवाइव मैं दोबारा ही देखूँगा पता नहीं क्यों। एंड यार चलो ठीक है भाई, किसी को हील करने का भी ऑप्शन नहीं है, मारना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि हील करने के बाद भी फ़ायदा नहीं है। डबल हिट मार के देखते हो शायद से कुछ हो। एंड वन एंड टू हो गए, नाइस नाइस हिट भाई आज तो, मतलब 2 hits हो ही गई, मतलब ठीक है। मेरे को लगा 3-4 तो होगी, लेकिन ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमें कुछ चिंता नहीं है। दोबारा डबल हिट मारते हैं भाई, अगर पहले हम फास्टर हुए तो काम बढ़िया चल जाए। 1 and 2 यस भाई, रेड हेल्थ पे आ चुका है। अब भाई किलो वाटर को निकाल के हम बस फिनिशर डाल सकते हैं इस पर, और जो कि ख़त्म हो जाएगा ये स्पेशल कमिंग राइट नाउ। हैंग टाइट और गेट स्वैप पर भी बाय द सनचिंग हैंग होम वॉट एवर यू सेइंग, ले भाई तेरा स्पेशल अवॉइड कर लिया। ये ले भाई डबल हिट था और निकल जा, बूम एंड वन मोर, नाइस। अब भाई हम मर जाएंगे, यस। अब भाई मेरे को लग रहा है अब हमारे पास चांस नहीं है भाई समझिए, अब हमें अब लगेगा भाई। वी आर द डेड्स, बट ये भी डेड है भाई, अगले मूव में हम लोग फिर वाटर निकालते हैं, खत्म करते हैं उसको। पीछे भाई बहुत सारी पोकेबॉल पड़ती है भाई, वैसे इस गेम में बहुत सारी पोकेबॉल पड़ी रहती है भाई इधर उधर, मुझे समझ नहीं आता इतने फ्री के आइटम क्यों दे रहे हैं ये, पता नहीं आता आजकल। लेकिन कोई नहीं भाई, हमें क्या चाहता है भाई, हमें तो फ्री के आइटम से मतलब दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो इलेक्ट्रो बॉल मारते हैं, खत्म करते हैं भाई इसी कहानी एंड डन। वी हैव नाउ डिफीटेड द फोर्थ जिम, मर चुका है एंड यप भाई हम हैं फोर्थ जिम के, हमने फोर्थ जिम हरा दिया, काउंटर कर लिया, मैं चैम्पियन बोल रहा था। लेकिन हाँ डुअल विंग भी ETS भाई हम लर्न करेंगे ज़रूर, प्लक हटा दूंगा मैं इसी जगह, या फिर मतलब सोच लो कोई दूसरा मूव या फिर हट सके तो देखते हैं। अप रोड तो नहीं भाई, अप रोड मेरे को बहुत सही लगता है, तो प्लक ही हटेगा भाई, ठीक है गुड बाय। एंड 40 है ना पावर इसकी, तो 40 × 2 भाई 80 अटैक पड़ेगा, और इसका सिर्फ 60 है, तो भाई या हटा रहे हैं भाई इसको। 1 2 एंड टड़ा, हमने सीख लिया डुअल विंग बीट और भाई ये जिम हमने हरा दिया फाइनली। और इतना भी मुश्किल नहीं था, मतलब मैंने इसको मुश्किल बना दिया था, मैं मतलब किलो वाटर यूज़ करता था भाई, ईजीली स्वीप था भाई आराम से, मतलब ईजीली मतलब सिर्फ और सिर्फ किलो वाटर से हम खेल देते इसको बिना टरसलाइजेशन के वो भी। सो या हमने जीत लिया है, अब बस बैच वाली फ़ोटोज होंगी और निकलते हैं भाई यहाँ से। यस भाई आ जा, हा हा लॉस एज रिफ्रेशिंग एज द एयर इन द, जो भी है भाई हेल्पलेस लिटिल मैजिक अप टू यू ए फ्लॉपिंग अराउंड ऑल विली विली, यू गॉट मी गुड टेलिया जस्ट लाइक मास्टर फिशर, या होल्ड या हेल्ड ऑन टाइट इन द लास्ट सेकंड एंड वन द विक्ट्री, जो भी कह रहा है भाई। मेरे को मतलब कैसी इंग्लिश है भाई इन लोग की, मतलब हर एक जगह पे एक्सेंट यूज़ करते हैं भाई, और एक तो इन्होंने वॉइस ओवर भी नहीं डाला हुआ, मतलब इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए तो वॉइस ओवर डाल लो, ओह नाइस। ये तो फोटो अच्छी खींची है भाई, ये तो सही चीज़ है, नाइस ये मज़ा है। विद 4 जिम बैचेस इन योर पोजीशन यू कैन लेवल 40 तक के पोकेमॉन हम पकड़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। जैसे मतलब हम लोग लास्ट एपिसोड में मैंने वो स्पाइडॉप्स पकड़ रहा था वो पकड़ा नहीं गया था, तो अब पकड़ा जाएगा वो। TM22 हमें चिलिंग वाटर मिल गया,
जो कि इसने यूज़ ही नहीं किया भाई एक बारी भी। लेकिन कोई नहीं, पहले क्या होता था भाई चेलिंग वाटर मगर तो ऐसा कोई टीएम मिलता था तो भाई वही मूव यूज़ करता था इसका एस पोकेमॉन। लेकिन अब भाई कुछ भी नहीं होता ऐसा। चलते हैं भाई अब यहाँ से बाहर क्योंकि हमने इसको हरा दिया, एंड अगले जिम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हाँ वही है भाई हमारा अगला टारगेट, एंड उसका जिम टेस्ट मैं पूरा कर लूँगा। वही निमोना आ गई भाई फाइनली, मतलब ये तो भाई बड़े टाइम बाद मिली हमें, इससे मतलब बैटल वगैरह भी नहीं हुआ, मतलब हमारा बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ। सही से बताऊँ तो मैं लास्ट टाइम हमारा उसी जिम से पहले हुआ था, वो जो इलेक्ट्रिक टाइम जिम था ना उससे। डज पुट फोर पैलेट इन नाउ राइट मैन, आई कॉन्ट बिलीव यूर हैफ वे थ्रू योर जिम जर्नी ऑलरेडी, योर एफर्ट्स आर बेयरिंग सो मच। हाँ भाई तो भाई हमने चार कर लिए, मतलब हाफ वे हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, बस चार और जिम बैचेस और हम पोकेमॉन चैंपियन है। आई मीन एलीट फोर को हराना पड़ेगा, लेकिन हाँ बस आई पुट टुगेदर माई टीम ऑफ पोकेमॉन स्पेशली फॉर यू। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको मतलब अभी नहीं फाइट करना चाहती भाई हमसे, तो इसको जिम भी हराना है तो या भाई बाय बाय। कोई नहीं, हम भाई अगली बार ही लड़ रहे हैं इससे। और यस भाई हमने जिम हरा दिया, अब भाई मैं उड़ के जाता हूँ या अगले जिम की तरफ और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह भी कर लेता हूँ। तो भाई अगले जिम टेस्ट के वाली बिल्डिंग में पहुँच जाऊँगा मैं, तो फिर तुम्हें बता दूंगा भाई। यस एंड मैं, यस मैं जिम में आ चुका हूँ, तो फिर यहाँ पे भाई लेट मी रजिस्टर यू एज अ चैलेंजर, योर नेम इज समर्थ राइट। यस भाई, और जिम टेस्ट के लिए मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, मैंने अपना वो जर्नी मतलब दिखाई नहीं क्योंकि भाई बोरिंग थी वो बहुत ज़्यादा। सो या अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हेयर एट मंडाली जिम इट मीन्स ऑर्डरिंग अ स्पेशल सीक्रेट मेन्यू आइटम। ठीक है भाई, और ट्रेजर ईटरी से हमें जाना है भाई, और स्पेशल सीक्रेट मेन्यू आइटम करना है जो कि मतलब रेगुलर से वहाँ पे आना, उनसे पूछना है हमें क्या क्या वो मंगाते हैं और उनको कंबाइन करके एक आइटम आएगा वो हमें लेना है। तो यार भाई शायद से हर एक गेम में वो रैंडमाइज हो या फिर मैं मतलब यूट्यूब से कहीं से देख के उठा लूँगा, बट यस भाई आज की मैं हम लोग बस वहाँ पर चलते हैं और सेव कर लूँगा मैं वहाँ पर, क्योंकि अभी तो भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, क्या पता भाई 45 लेवल के पोकेमॉन हो और भाई मैं पिट के वहाँ पर वापस आ जाऊँ, वो बस टाइम वेस्ट ही करेंगे भाई मेरा। इसलिए भाई मैं चलता हूँ और एक सेकंड वहाँ जाके भाई सेव कर दूँगा मैं, जल्दी चलते हैं भाई, ढूंढते पहले वो जगह कहाँ है। और हाँ भाई वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा सीरियसली, क्योंकि भाई मेरे को हारना नहीं है, अभी लेवल अप करके आऊँगा भाई मैं अगले एपिसोड तक। और यस भाई हम फिफ्थ जिम को हराएंगे या फिर मैं हॉन्टर वाली चीज़ स्ट्रैटेजी यूज़ करके भाई लेवल 30 पे अभी ही हरा दूँगा, जो कि मतलब थोड़ी सी चीप स्ट्रैटेजी है, लेकिन कोई नहीं भाई हम तो ऐसे ही हैं। या भाई यही बार होना चाहिए भाई वो, एंड हाँ यस यही है। तो यस भाई लोड हो गया ये एरिया, एंड यहाँ पे भाई ये ऑर्डर वगैरह लेगा हमारा यही होगा भाई स्पेशल सीक्रेट वाला, जिसको हमें बताना है भाई हमें क्या लेना। तो यस भाई हम आ चुके हैं, एंड आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही भाई, हम लोग मिलते हैं अगले वाले में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। कर मैं कर लेता हूँ सेव, और भाई अगले एपिसोड हम पक्का हरा देंगे भाई इसको फिफ्थ वाले जिम लीडर को। एंड यस भाई बाय बाय, टाटा सी यू सून।